हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वेरी स्पेशल टॉपिक कार्डियक एमआरआई प्लानिंग किस टाइप से करते हैं, आप सभी के लिए वेरी बेनिफिट्स हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। सबसे पहले फ्रेंड्स, कार्डियक एमआरआई करने के लिए पेशेंट पोजिशनिंग प्रॉपर होना जरूरी है, पेशेंट कम्फर्टेबल होना जरूरी है बॉडी कोइल के साथ। पेशेंट क्योंकि कार्डियक एमआरआई एक लॉन्ग स्टडी है, सो पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन सुपाइन पोजीशन में लेटाना होता है और प्रॉपर बॉडी कोइल अप्लाई करना होता है। सेकेंड थिंग होता है फ्रेंड्स, ईसीजी लीड्स। पूरा कार्डियक एमआरआई डिपेंड करता है ईसीजी लीड्स के ऊपर। अगर प्रॉपर ईसीजी लीड्स नहीं है तो ईसीजी सिग्नल नहीं आ पाएंगे, ईसीजी गेटिंग नहीं हो पाए तो कार्डियक एमआरआई नॉट पॉसिबल। थर्ड चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो आप कार्ड ईसीजी यूज कर रहे हैं वो ईसीजी लीड्स किस लेवल पे होना चाहिए, प्रॉपर इंटर कोस्टल स्पेसेस के बीच लगना चाहिए जिससे कि कार्डिक सिग्नल एक्वायर हो सके और अच्छे से एक कार्डियक एमआरआई एक्वायर हो सके। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट हम जो लेते हैं लोकलाइजर अनगेटेड फिएस्टा, जो एक प्लेन कोरोनल थोरेक्स व्यू पे एपेक्स ऑफ लंग टू डायफ्राम तक इमेज लेंगे, जिसमें हमको एक टी टू इमेज एक्वायर होगा लंग्स एपेक्स टू डायफ्राम तक, जिसमें हम कार्डियक का एक्सियल सेक्शन लेते हैं, प्लेन एक्सियल सेक्शन। उसके बाद सेम थिंग, सेम प्लानिंग कॉर्नल व्यू में एक्सियल सेक्शन एपेक्स ऑफ लंग टू डायफ्राम तक एक्सियल सेक्शन लेंगे ब्लैक ब्लड इमेज के लिए। ब्लैक ब्लड इमेज जो कि हमें बाद में RVUT प्लानिंग करने के लिए काम आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ ब्लैक ब्लड इमेज। ओके, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट टू फैक चैम्बर किस टाइप से। फ्रेंड्स, जो T2 एक्सियल सेक्शन लिया है उसमें हम टू चैम्बर राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ यूज कर सकते हैं, वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की पैरेलल कट करेंगे, जिसमें हमें टू चैम्बर एक्वायर हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, वेरी गुड इमेज, प्रॉपर इमेज, कैसे क्या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पैरेलल कट करने पर टू चैम्बर एक्वायर। उसके बाद जब हमें टू चैम्बर एक्वायर हो जाता है, इसमें फ्रेंड्स लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके जैसे कि रेड लाइन देख रहे हैं आप, इसके जब हम इसके पैरेलल रखेंगे तो हमको फोर्थ चैम्बर एक्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को कट करते हुए जब हम इमेज एक्वायर करेंगे तो हमें फोर्थ चैम्बर व्यू मिल जाएगा, फेक फोर्थ चैम्बर व्यू। उसके बाद फ्रेंड्स, हम शॉर्ट एक्सेस प्लानिंग के लिए हमने फेक टू चैम्बर एंड फेक फोर्थ चैम्बर एक्वायर किए, एपेक्स ऑफ हर्ड टू मिडल वॉल तक ले सकते हैं, जिसमें हमको एपेक्स ऑफ हर्ड टू मिडल वॉल तक हमने इमेज एक्वायर किया, जिसमें हमको कैंडी स्ट्रक्चर एक्वायर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैंडी स्ट्रक्चर। इसमें ये स्ट्रक्चर फ्रेंड आप देख रहे हैं, ये फैक थ्री चैम्बर के लिए, जिसमें कैंडी स्ट्रक्चर होता है। इस कैंडी के पैरेलल रखने के पर, इस कैंडी के पैरेलल कट करने पर हमको थ्री चैम्बर व्यू एक्वायर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेरी इजी और वेरी गुड इमेज, दिस इज थ्री चैम्बर व्यू कैंडी स्ट्रक्चर विच एक्वायर फ्रॉम शॉर्ट एक्सिस प्लानिंग। ओके, सो शॉर्ट एक्सिस में एपेक्स ऑफ हर्ड टू वहाँ तक लेने पर कैंडी स्ट्रक्चर एक्वायर हो। ये इमेज हम प्लान कर रहे हैं ट्रू टू चैम्बर के लिए फ्रेंड्स, जिसमें परपेंडिकुलर लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल की रेड लाइन, आप लाइन देख सकते हैं, प्लानिंग किया है लेफ्ट वेंट्रिकल के परपेंडिकुलर, तो हमको ट्रू टू चैम्बर एक्वायर होगा। फ्रेंड्स, दोनों मेथड से कर सकते हैं, जब प्रॉपर स्टडी करना हो तो ये सब ट्रू एम लेना जरूरी है। सो ये ट्रू टू चैम्बर है फ्रेंड्स। इसके आगे जब हमको ट्रू फोर्थ चैम्बर चाहिए तो फ्रेंड्स हम इस टाइप से कट करेंगे, जिसमें क्या होता है एंटीरियर पोस्टीरियर टू पेपुलर मसल्स टू एपेक्स ऑफ हब, इसके पैरेलल हम कट करेंगे, इसके अलोंग हम कट करेंगे तो हमको ट्रू फोर चैम्बर एक्वायर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, दिस इज ट्रू फोर चैम्बर, वेरी गुड इमेज,
कोई आर्टिफैक्ट नहीं है प्रॉपर। इसके बाद फ्रेंड्स, थ्री चैम्बर को एक्वायर करने का एक और तरीका है, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट और लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है। इसमें आप अगर फोर्थ पेपिलरी मसल्स की 45 डिग्री लेके एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तब हमको थ्री चैम्बर व्यू प्राप्त होगा। थ्री चैम्बर व्यू में फ्रेंड्स देख सकते हैं, दिस इज लेफ्ट मैन जो बड़ा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे असेंडिंग एरोटा आउटसाइड जाते हुए। फ्रेंड्स, जब हमने ब्लैक ब्लड लोकलाइजर लिया, उसमें जब हमको पल्मोनरी आर्टरी की पैरेलल रखेंगे, हम कोई भी कट करेंगे पैरेलल टू पल्मोनरी आर्टरी, तो हमको RVOT राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो रे, यू कैन सी वेरी गुड इमेज, वेरी इजी। पल्मोनरी आर्टरी के पैरेलल लेने पर हमको RVOT इमेज एक्वायर होता है, बहुत इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं। उसके बाद जो हमने थ्री चैम्बर व्यू एक्वायर किया फ्रेंड्स, थ्री चैम्बर व्यू के असेंडिंग एरोटा के पैरेलल इमेज लेने पर, थ्री चैम्बर व्यू में असेंडिंग एरोटा के पैरेलल कट लेने पर हमको LVOT एक्वायर होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक, वेरी इजी मेथड, आप इसे एक बार जरूर अप्लाई करें। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड हम प्लानिंग करते हैं फ्लो देखने के लिए। हमको जैसे कि ये AO फ्लो है, जिसमें हमको LVOT जो हमने एक्वायर किया उसके LVOT के परपेंडिकुलर, LVOT के परपेंडिकुलर जब हम कट करेंगे तो हमको AO फ्लो प्राप्त हो जाएगा, aortic फ्लो, जो कि फ्लो देखने के लिए ये सीक्वेंस यूज करते हैं। इसके बाद फ्रेंड हम PA फ्लो के लिए प्लानिंग करेंगे। PA फ्लो RVOT के परपेंडिकुलर कट करने पर, RVOT इमेज के परपेंडिकुलर कट करने पर हमको PA फ्लो एक्वायर होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ प्रॉपर पल्मोनरी आर्टरी फ्लो RVOT के परपेंडिकुलर कट करने पर। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक इमेज डाला हुआ है, ये इजी है, जिसके लेफ्ट वेंट्रिकल के परपेंडिकुलर कट करने पर टू चैम्बर, 45 डिग्री कट करने पर थ्री चैम्बर एंड पैरेलल कट करने पर 180 कट करने पर फोर चैम्बर एक्वायर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये मैंने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ, शॉर्ट चार्ट, जिसको आप देख के इजीली समझ सकते हैं कि टू चैम्बर, फोर चैम्बर, शॉर्ट एक्सिस, RVOT, हाउ टू एक्वायर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर